यहाँ पर जब मैं आया था ना एडमिशन लेने, तब ये जो गेट है ना ऑन करने के बाद यहाँ पर लाइट चलती है। 80 रुपए का भाई रुक जाएगा। तो चलिए फाइनली अपना जो पार्सल आ गया, एंड दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ जो कि ऊपर लगता है। व्लॉगिंग का सेटअप है वो हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आएगी क्वालिटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी कॉलेज के बाहर हूँ, और जस्ट रिसेंटली हमारे सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं और अभी जाते हैं घर यहाँ से। और ना यार, अभी मैं व्लॉग इसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, तो दिखाता हूँ आपको, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी यहाँ पर ऑल लेक्चर्स आर ओवर, और अभी चलते हैं घर यहाँ से। तो यहाँ पर जब मैं आया था ना एडमिशन लेने, तब ये जो गेट है ना, यहाँ से मैं अंदर गया था, और यहाँ पर भी एक गेट है जो अभी बंद लगता है। ये दोनों ही गेट बंद है, और जो गेट है ना जो सब लोग वहाँ से अंदर जाते हैं वो गेट वहाँ पर है, और यहाँ से भी एक गेट है जो अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से, जो टीचर स्टाफ वगैरह आते हैं ना उनके लिए होता है। और क्या है ना, बहुत से स्टूडेंट लोग हैं जो आज मतलब 2-3 दिन से बहुत एडमिशन हो रहे हैं हमारे कॉलेजेस में, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत डीएम आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट लोगों को ना मुझसे मिलना है, तो उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने की। सो फाइनली कम बैक टू द रूम। तो यहाँ पर चलते घर अपने, और बहुत थक गया आज। सो यार, अभी मस्त रूम में तो आ गए, और आने के बाद मैं ना नहाने जाने वाला था, बट यहाँ पर ना एक हमें प्रॉब्लम आ चुकी है। ये जो फ्यूज है ना, मुझे लगता है खराब हो चुका है, मतलब ऑन करने के बाद यहाँ पर लाइट चलती है और वो अभी नहीं चल रही, तो इसकी वजह से ये जो हीटर है ना वो भी नहीं काम कर रहा। तो मेरा अभी प्लान था नहाने का। हे गाइस, हमारा ये रूम है, मतलब गवली का रूम है, मतलब हमारा ही रूम है। अभी चलते हैं, कुछ तो सामान लाना है बाहर से, तो अभी जाना पड़ेगा, उसके लिए लोनेरे बाजार जाएंगे। तो चले फाइनली लोनेरे बाजार तो पहुंच गए, अभी यहाँ से अंदर जाते हैं और जो जो सामान चाहिए वो लेते। ये कुछ तो यूनिक सा लग रहा है, 80 रुपए का भाई रुक जाएगा, घर जाएगा इसमें। और आज ना मतलब मुझे मेस के लिए जल्दी जाना पड़ेगा, बिकॉज ना मैंने कल ही मेस लगाई है, तो आज ऐसा होना चाहिए कि मैं लेट जाऊँ, तो इसकी वजह से 7-8 बजे निकलना पड़ेगा। और अभी टाइम क्या हो रहा है, तो अभी हो रहे 6:50, और उसके बाद मतलब खाना खाने जाना पड़ेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर अभी फिलहाल मेरी पूरी नींद पूरी हो चुकी है, और मैं उठ चुका हूँ अभी यहाँ पर। और ना मैं वेट कर रहा था कि मेरा जो मैंने अमेजोन से एक पार्सल मंगाया था, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज जो पार्सल मैंने मंगाया था उसके ऊपर लिखा था कि इस टाइम पर आने वाला है, तो आई डोंट नो कि वो उस टाइम पे आता है कि नहीं, बट वेट करते हैं, देखते हैं वो कब आता है। और ना इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वो भी एक है। और हमारे फैन का कुछ ऐसा सीन है ना, उसको अगर फास्ट किया तो इतना फास्ट हो जाता है ना, पूरा मतलब ठंड से आकर जाता है इंसान, और अगर स्लो किया ना तो पूरी वाट लग जाती है, मीन्स सारे मच्छर आके ना काट लेते हैं, बहुत खतरनाक वाला। तो देखते हैं पार्सल आगे लगता है, चलते हैं पार्सल लाते। तो चलिए फाइनली अपना जो पार्सल आ गया, और बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है हाथ में लेने के बाद। ओहो, इसे अनबॉक्स करते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. So, चलिए जैसे तैसे करके यार नहा धो के मस्त रेडी होके यहाँ पर आ चुके हैं कॉलेज। और यहाँ पर आज मतलब कुछ लेक्चर वगैरह ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी लेक्चर करते हैं। और गाइस, यहाँ पर इतनी आज मतलब धूप है ना, मेरा तो पूरा मतलब धूप है, इसकी वजह से मैं आज छाता लेके आया भाई। और आज मतलब मेरा सेमिनार है, तो वो भी आज कुछ तो स्पेशल है मेरे लिए, तो वो भी करते हैं, और उसके बाद घर जाके जल्दी उसको अनबॉक्स करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ DBA 2। और गाड़ी आज कुछ ज्यादा ये लगता है, ये ओनली 2-व्हीलर पार्किंग है, और यहाँ पर 4-व्हीलर, और उसके बीच में भी 2-व्हीलर घुसाड़ी है, मतलब क्या बोले। तो चलिए फाइनली लेक्चर तो हो गए, और अभी फाइनली आ चुका हूँ घर अपने। और एक्चुअली आज मतलब पूरा दिन कॉलेज में चला गया जैसे हर बार जाता है। आज तो शाम 6 बज गए, फिर भी मैं घर नहीं आया था, अब भी 6:30 हो रहे लगता है, जो कि हमारा सेमिनार था, इसकी वजह से जो उसका रिप्रेजेंटेशन देना था, ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है हमारे बैच को है, और जो काम करना था सुबह से वो करते पहले, और वो है यहाँ का प्रोडक्ट, और ये है हमारा गिफ्ट, गिफ्ट कुछ भी बोल सकते हो इसे, जो कि हमने मंगाया था अमेजोन से माइक। तो एक्चुअली क्या है ना, सुबह आने के बाद मतलब रिसीव होने के बाद मैंने इसको खोल के देख लिया था कि इसके अंदर प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि ना इसको लेके पहले स्कैन करना पड़ता है, और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि ये प्रोडक्ट
असली है या नहीं, मतलब कोई कोई डुप्लीकेट भी बेचते हैं, तो वो तो हो चुका है। और सच में और गुड न्यूज है कि ये ओरिजिनल है, वो मैंने देख लिया सुबह। और अभी खोलते इसे और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है अंदर से। ले माइक माइक माइक, ये है माइक। इसे खोलने के लिए मुझे लगता है दो लोगों की जरूरत पड़ेगी पीयूष, तो तुझे आना ही पड़ेगा। अभी इसका रिव्यू मैं अभी नहीं देने वाला, बिकॉज इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो वो आप देख लेना, थोड़ी देर के बाद बनाऊंगा उसके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से आपको बस बॉटम में दिखा दूंगा कि ये कैसे होता है, बोया का माइक जो कि ऊपर लगता है, और ये माइक। और ये माइक लगने के बाद अपना जो सेटअप है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जो व्लॉगिंग का सेटअप है वो हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आएगी क्वालिटी। तो थोड़ा सा सिनेमैटिक भी लगा देते हैं इन 3, 2, 1। अभी हो रहे हैं 7:50। अभी नहीं, 6:50। तो अभी हो रहे हैं 6:50।